फाइलिंग की लास्ट डेट बस आने ही वाली है और बहुत सारे प्रोविजंस जो अभी तक हमें समझ नहीं आया, समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक कल क्या हुआ, जब मैंने टीवी खोला तो कुछ नया देखने को मिला। सर, 1.5 महीने की जीएसटी के बाद अचानक कल एक नई न्यूज थी। नई न्यूज ये थी कि सर, ट्रिपल तलाक इंडिया में असंवैधानिक हो गया है, इसलिए मेरी वोकैबुलरी में एक वर्ड और जुड़ गया, असंवैधानिक। सर, ट्रिपल तलाक, यू नो, एक देश जिसको मदरलैंड कहते हैं, बहुत बुरी बात यह है कि हमारे उस देश के अंदर औरतों की हालत अच्छी नहीं है, हमारी मदर्स सुखी नहीं है। एक बहुत बड़ी इविल जो हमारे समाज में कई सालों से पनपती आई है, एक ट्रिपल तलाक, वो फाइनली कल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद असंवैधानिक हो गया है। पहले तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूं जो इस मिशन के साथ जुड़े हुए थे और उन सबके प्रयासों की वजह से यह हो पाया है। इसी तरह की एक संस्था जो इस प्रयास में थी कि किसी तरीके से हम इसके ऊपर, यू नो, एक अंकुश लगाएं, आज मैं उनसे मिल रहा हूं। मेरे एक बहुत ही प्रिय स्टूडेंट है विनय, जिन्होंने बहुत मेहनत करी है और बहुत कोशिश करी है कि जो भी वुमेन्स के लिए अच्छा हो सकता है ना, उन्होंने किया। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो हम जीएसटी पे बनाएंगे ही नहीं, चलो आज विनय से मिलके आते हैं। तो मैं यहाँ पहुंच गया हूँ रॉटन के डास के ऑफिस में और विनय हमारे साथ है। विनय, एक बार हमारे दर्शकों को हेलो बोलो। नमस्कार, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा अंकित सर का, जिन्होंने आज ट्रिपल तलाक के ऊपर, मेरे गाने के ऊपर मुझे यहाँ व्यू रखने का मौका दिया। और हमारे साथ योगेश है, ये उस गाने के अंदर हीरो थे और वैसे विलेन थे हीरो नहीं कहना चाहिए इसको, चलो एक्टर था, इतने में ठीक है। विलेन मैं ही था जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। राइट राइट, ये तो आप गौर से देखिए, यही है वो शख्स जिसकी वजह से ट्रिपल तलाक होते है। नहीं, मतलब एक ही हुआ था, वीडियो में हुआ था, सिर्फ एक का रिस्पॉन्सिबल हुआ है। बिल्कुल, रॉटन गिडास वैसे तो एक म्यूजिकल इंस्टीट्यूट है, लेकिन सर ये लोग बहुत एक्टिव हैं, वुमेन्स के ऊपर कुछ भी गलत हो रहा हो, चाहे वो निर्भया का केस हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, ये लगातार प्रोटेस्ट में अपनी भागीदारी निभाते रहे हैं और म्यूजिकल वे से भी कटाश बढ़ते रहे हैं। इनकी एक वीडियो पेयर हुआ इस समय बुरी तरीके से वायरल सोशल मीडिया पे, जहां पे इन्होंने ट्रिपल तलाक का मुद्दा रखा। तो पहले मैं विनय से पूछूंगा, विनय भाई एक बात बताओ कि भाई तुम्हारी कम्युनिटी में थोड़ी ये ट्रिपल तलाक की प्रॉब्लम है, पर तुम्हें क्या पहुंचे, ये तो वही बात होगी बेगानी शादी में अब्दुल, नहीं अब्दुल्ला तो उसी कम्युनिटी है। बेगानी शादी में विनय दीवाना भाई क्यों? नहीं सर, देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी की बात नहीं है, ये बात है यहाँ पर, बात जो चल रही है पूरे नेशन की चल रही है, पूरे देश की चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि हमने ये मुद्दा इसीलिए उठाया कि पर्टिकुलर किसी माइनॉरिटी या किसी कम्युनिटी से वो है। बात यह है कि इट इज अ इविल, ये एक सोशल इविल है और इसके खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। ये नहीं है कि आज ट्रिपल तलाक पे बात उठाई गई है तो मैं कल किसी और ऐसे मुद्दे को उठाऊंगा जहां पर इसी कम्युनिटी का जिक्र होगा, ऐसा नहीं है। ये ट्रिपल तलाक जो है एक समस्या है जो कि महिलाओं के खिलाफ जा रही है, महिलाओं के खिलाफ जा रही है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मुसलमान महिला है या हिंदू महिला है या कुछ भी है, तो इसको जड़ से हटाना जरूरी था। लेकिन हम जो वाकई में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे इस गाने के बाद अचानक से ऐसा डिसीजन आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे गाने की वजह से डिसीजन आया, लेकिन हाँ ये है कि कहीं ना कहीं हम उससे जुड़े हुए थे और हमने भी प्रयास बिल्कुल इस डिसीजन से पहले ही किया था। आज महीना भर भी नहीं हुआ इस गाने को आए हुए, और इस महीने में शायद ही कोई दिन ऐसा रहा हो जब किसी मैगजीन ने इस गाने को कवर ना किया। जी हाँ, प्रेशर बनाने में आपका भी थोड़ा सा हाथ है। 15 से ज्यादा न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में इसको कवर करा गया था, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, आउटलुक एक्सप्रेस मैगजीन सारे इसमें। तो मैंने कितना टाइम लगा ये सारी रिसर्च करने में? और देखिए, रिसर्च करने में तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि ये समस्या बहुत पुरानी है। रिसर्च करने में जरा, हाँ, डिसीजन लेने में टाइम लगा क्योंकि सीधी सी बात है, आजकल चौधरियों की कमी नहीं है। आप किसी भी पर्टिकुलर मुद्दे पर कुछ उठाना चाहते हो तो लोग आप पर सांप्रदायिक या ऐसे कुछ भी आप पर लगा देते हैं अटैक। तो वो मैं ये सोचता था क्या मैं इस मुद्दे को उठाऊं या नहीं उठाऊं, लेकिन अल्टीमेटली बात वही आती है, जो गलत है वो गलत है। तो रिसर्च के टाइम आपको कुछ लगा कि महिलाओं के साथ जाती हो रही है? जी, बिल्कुल बिल्कुल लगा, क्योंकि एक दिन मैं ऐसे ही एक शॉप पर बैठा हुआ था और मेरे ही प्रोफेशन का बंदा, क्योंकि मैं म्यूजिक टीचर भी हूँ, तो मेरे ही प्रोफेशन का बंदा जिसने मुझे अपने घर की समस्या बताई, उसका नाम अहमद था, तो उसने मुझे ये बताया कि मैंने आजकल बहुत परेशान चल रहा हूँ यार, मैंने गुस्से में आके अपनी बीवी को फोन पे, आप ये सोचिए, उसने गुस्से में आके अपनी बीवी को फोन पे तलाक 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 कह दिया और आज वो दोनों अलग हैं, दोनों ही जूझ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा खाली महिला जूझ रही, लेकिन तलाक के उसमें उसने तलाक तलाक कह दिया और उसकी वाइफ को कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला और आज वो दोनों अलग हैं। यार मैं एक बात सोचता हूँ कभी कभी कि यार तलाक तो सभी कम्युनिटीज में होते हैं और इनफैक्ट अब तो बढ़ गए हैं, पहले के मुकाबले तलाक तो बहुत होने लग गए हैं, तो मतलब ट्रिपल तलाक से क्या प्रॉब्लम है यार? तलाक तो दूसरे भी हो रहे हैं, कोर्ट से भी तो हो ही रहे हैं।
देखिए सर, कोर्ट की अगर बात है, आपने खुद ही नाम ले दिया कि देखिए बाकी जो तलाक होते हैं वो एक प्रोसीडिंग्स होती है, उसमें कोर्ट बीच में आता है, वकील होती हैं, दलीलें होती हैं, दोनों पक्षों को कहने का मौका मिलता है। लेकिन ट्रिपल तलाक में तो आप कहने का मौका क्या उसको, तो बस वो उसने बोला तलाक 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 और वहां वो कहानी खत्म। उसको तो एक अपना कुछ भी पेश करने का मौका नहीं मिलता, एक दलील पेश करने की मौका नहीं मिलता, सॉरी बोलने का मौका नहीं मिलता। अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं वो गलत भी है तो वो माफी मांगकर अपने पति के पास आ जाए, तो ये तो बिल्कुल सर उसके समान है कि आप पब्लिक एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, आपने सीधे सीधे इंसान को मार डाला, ये तो मार डालने के समान है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है कि गलती किसी की भी हो सदा तो महिला को ही मिलती है। कोई ये नहीं कहता कि यार डिवोर्स हो गया है तो जरूर लड़का खराब होगा, कहते नहीं नहीं इसने कुछ कमी रही होगी, यही ऐसा आपको भी देखने को मिला वैसे? बिल्कुल बिल्कुल यही समस्या है, क्योंकि देखिए मैं तो ये मानता हूँ, पता नहीं हर बार हर लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते हैं, कि एक किसी के जीवन में, महिला के जीवन में जितना शादी का चार्म होता है उतना शायद मर्द के जीवन में नहीं होता। महिला तरीके तरीके के सपने की तो भी हो जाती है, विडम्बना है कि मर्द भी ये सोचता है कि बिल्कुल तुम्हारा तुम्हारा हो जाती है, लेकिन औरत के मन में ये ख्याल नहीं आता इतना। खासकर जहाँ पे हम दूसरी कम्युनिटी की बात करें तो वहां तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता, और वहां उनकी दशा और भी ज्यादा दर्दनाक है। राइट राइट राइट। अच्छा भाई योगेश जी बताओ, जैसे तूने ये किया और उसमें तो विलेन का रोल कर रहा था, हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग कई बार बहुत अटैच हो जाते हैं करेक्टर से कि नहीं ये अच्छा आदमी नहीं है, ये बुरा आदमी है। जैसे तुमको पता होगा कि जब प्राण साहब अपने बेस्ट हुए थे उन दिनों किसी ने अपने घर पे बच्चे का नाम प्राण रखा ही नहीं, इसके ऊपर सर्वे भी कराया था, तो तेरे को किसी ने फोन करके गाली गलौज करी कुछ थोड़ी बहुत? देखिए अगर सीरियसली मुझे किया, मेरी दादी जी मुझसे बोली कि क्या कर क्या रहे थे, मतलब तुझे तो कोई लड़की नहीं मिलेगी तो इतना गलत कर रहा है। तो अगर आपको कोई आप कुछ गलत कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मतलब कि एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उसके बाद आपको कोई कुछ मतलब इतना अटैच हो जाता है उससे और आपको कुछ बोलता है, तो ये आपके लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है कि आपने उस कैरेक्टर को कितना अच्छे से निभाया। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें अच्छा काम करना है, बाकी बाय हार्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ करते, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बात रियल लाइफ में तो जो है वो तो। अच्छा मैंने और क्या क्या रिस्पॉन्स रहे, लोगों ने कुछ तारीफ वारीफ करी कि इतनी बढ़िया वीडियो तूने बनाई? और ये देखिए तारीफ तो बहुत ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा इसको प्रेस करा गया है, लेकिन मुझे एक्चुअली मुझे ये वीडियो बनाते वक्त या बनाने के बाद मुझे तारीफ की बिल्कुल भी ना फिक्र थी और ना मुझे मैं उसका इंतजार कर रहा था। मैं इंतजार कर रहा था कि लोगों के रिव्यूज जो आ रहे हैं वो मेरे गाने के प्रति कैसे आएंगे, क्या क्या लोग, मैं ये चाहता था मेरे गाने की वजह से लोगों के व्यू ट्रिपल तलाक के लिए निकल कर रहे हैं, वो मेरे म्यूजिक के लिए या मेरे बैंड के लिए या रॉटन गिटार्स के लिए या विनर राठौर के लिए रिव्यू आए। तो बात ये थी कि बहुत अच्छे रिव्यू आए, और सबसे बढ़िया चीज जो मुझे पहली बार महसूस हुई कि यूट्यूब चैनल पे जब ये वीडियो पड़ा था उसके बाद अगर आप कमेंट देखेंगे यूट्यूब के नीचे, आज इसके 500-600 ज्यादा कमेंट हो चुके हैं, तो उसमें 90% महिलाओं के कमेंट है। और वो वहां पर उनके शब्द अगर आप पढ़ेंगे तो उनका शब्द बस यही है कि प्लीज ऐसे वीडियो और बनाते हैं, इतने सीधे शब्दों में उन्होंने कहा। और सब उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ कि मुस्लिम महिलाएं हमारी जितनी है उसमें उतनी ही उसमें हमारी हिंदू महिलाएं भी, लड़कियां हैं 16 साल से लेकर एजेड भी है, हर तरीके के उसमें लोग मिल रहे हैं, और यहाँ तक कि मतलब मर्दों तक ने वहां पर यह कहा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसको बनाते रहे। अच्छा और कौन कौन से मुद्दे हैं जो तुम आने वाली में सोचते हो कि अपनी वीडियो में उठाओगे, या अच्छा दूसरी बनानी है वीडियो? यही वीडियो बिल्कुल बनेगी, लगातार बनेगी। हम आगे चाइल्ड लेबर पे बना रहे हैं, स्टॉप एसिड अटैक्स पे बना रहे हैं, और भ्रूण हत्या पे बना रहे हैं, दहेज प्रथा पे। मतलब आप देखिए सब कुछ महिलाओं बच्चों के लिए करते हैं, ये मर्दों की कोई वैल्यू नहीं है ना। देखिए पियर बार जब वीडियो शुरू होता है तो वहां पे पहले ही लिखा गया है पैट्रियार्की इज स्टिल एग्जिस्ट, तो जब पैट्रियार्की है तो मुझे आप लोगों के लिए मेरे लिए करने की नहीं 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 ऐसा बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं है। मैं आपको बता दूं उल्टा क्या है कि जब ये ट्रिपल तलाक होते हैं ये इन जैसे माशे आ जाते हैं, फटाफट कहते हैं रोको इसे, कुछ और बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। बेचारा मर्द भले ही रोज मार खाता हो घर पे, भले ही हमारी बीवियां चलो मतलब हमारी मतलब हमारे लिए कोई वो नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस ये वो सब उनको दे दो। देखिए हो सकता है नहीं, देखिए जब जब आपको जरूरत होगी तब उसके खिलाफ भी आवाज उठाई जाएगी, लेकिन सच यही है, विडम्बना ये कि फिलहाल आपको जरूरत नहीं है, आपका कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है, ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या। हाँ देखिए बीवी से लेकर कोई ये सिर्फ शादीशुदा मर्द चाहते हैं कि ये गलत बोल रहा है, ये बात नहीं, ये सच्चाई। देखिए मेरे भी शादी हुई तो मैं इन चीजों को नहीं आ रही भाव सकता, तो जब तक शादी नहीं है तब तक महिलाओं के साथ है, कोई और मुद्दा आपको याद आ रहा है तो इनसे बनवा लो।
हाँ मतलब कुछ भी ऐसा अलार्मिंग नहीं है जिसको मैं अभी बना हुआ, मतलब मर्दों के लिए और महिलाओं के लिए जो कुछ भी मैं बना रहा हूँ वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, बर्निंग है, जिसके खिलाफ कुछ ना कुछ बनते रहना चाहिए और समाज में इसकी जागरूकता फैलनी चाहिए। राइट, तो चलिए इसी नोट के साथ हम आज के वीडियो को यही रोकते हैं। विनय को थैंक यू कि उन्होंने समय निकाला हमारे लिए और यू नो एक बहुत बढ़िया सोशल मैसेज, और उसके बाद ये जो परिणाम आया ना इसने तो मजा ही दे दिया यार। मतलब यू नो जीएसटी की जितनी टेंशन हो रही थी ना एकदम से खत्म हो गई, लगा यार कुछ अच्छा काम भी हो रहा है हमारे यहाँ पे। ये नहीं कि वो मोदी जी आ रहे हैं और तानाशाही की तरह कभी डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं कभी वो कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी से रिक्वेस्ट है एक बार डिक्टेटरशिप और दिखाना, ये 6 महीने में प्लीज एक्ट भी पास कर लेना इस टाइम। और अगर आप लोगों ने अभी तक पेहरवा नहीं देखी तो सर सर्च करो पेहरवा YouTube पे Google पे, अब तो हर जगह स्ट्रीम हो रही है ये वीडियो, और सर आप भी देखिए क्या क्या समस्याएं होती हैं महिलाओं को ट्रिपल तलाक के बारे में। तो चलिए सर मिलते हैं, आओ करें बेहतर व्यापार में अगली वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।